सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का आंसर की जारी हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को कैसे जारी चेक करना है आप लोगों का आंसर की, आप लोग की आंसर की में कौन से क्वेश्चन गलत है, और जो क्वेश्चन गलत हैं, देखिए इसमें INCET के एग्ज़ाम में बहुत सारे पेपर में जो क्वेश्चन थे गलत हुए हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के कौन से क्वेश्चन गलत थे, तो आप लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन किस तरीके से करना है वो दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा हुआ है, प्रिय आवेदक, INCET 1-2023 के लिए उत्तर कुंजी चुनौती तंत्र अब चैलेंज मैकेनिज्म नामक हेडर अनुभाग लिंक से पहुँच गया है, ठीक है, पहुँच योग्य है। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को कैसे आना है तो दिखा दूँ मैं डायरेक्टली आप लोगों को टेलीग्राम पे इस लिंक का मैं आपको भेज दूंगा जो है लिंक, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। फिर वहाँ से दोस्तों आप लोग सीधा जो है इस पेज पे चले जाएंगे, टेलीग्राम पे से सीधा इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। जो भी आप लोग का रजिस्टर्ड ईमेल होगा और आप लोगों ने जो पासवर्ड बनाया होगा वो आप लोग को डाल लेना है यहाँ पर। फिर दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है, जो ये कैप्चा कोड दिया हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, फिर डॉलर, फिर कैपिटल के, स्मॉल जेड और स्मॉल जेड आर, ठीक है, इस तरह से आप लोग कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। फॉर इन केस अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के पास फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग जो है फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी डाउट ये रहेंगे कि सर हम लोगों को स्पेसिफिकली जो हमने एग्ज़ाम दिया है वही आंसर किया आएगा क्या? हाँ देखिए आप लोगों का वही आंसर किया आएगा, और आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कौन सा मार्क्स ऑप्शन अटेम्प्ट किया, देखिए आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया वो दिया रहेगा, और चूजन ऑप्शन जो होगा वो तो दिया ही रहेगा, उसके बाद में कौन सा जो उसका सही आंसर होगा वो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप लोगों ने जो भी जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं 100 में से उतने आप लोग मार्क्स पकड़ लीजिए, ठीक है। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा दोस्तों आपको देखने मिल सकता है जब आप लोग के रिजल्ट आए तब, ठीक है, या फिर जब आप लोग के स्कोर कार्ड आए तब। अब देखिए रिजल्ट के बारे में हम अपना आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, पहले दोस्तों आपको दिखा दूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों गाइडलाइंस फॉर चैलेंज मैकेनिज्म यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे फॉर नोटिस जो है चैलेंज ऑफ आंसर की एंड रेजिंग ऑब्जेक्शन, तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलते हैं गाइडलाइंस वाले पे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे आप लोग को INCET CBI एग्जाम पेपर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे दिया हुआ है कि द लिंक विद चैलेंज मैकेनिज्म, ठीक है, ये जो आप लोग के हैं आंसर की, यहाँ पे सिविलियन में आप लोगों को देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया, बट दोस्तों सीधा मैं आप लोग को ये पेज पर भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। तो ये है, और फिर देखिए कब से कब शुरू होगा ये आप लोग के आंसर की देखनी, तो आप लोग को 10 बजे से लेके मॉर्निंग में जो कि चैलेंज मैकेनिज्म भी होगा आप लोग का, ठीक है ये, और यहाँ पर आप लोग किस जो है शाम को, मतलब कि 17 बजे मैंने कि आप लोग का शाम के 5 बजे 11 मार्च तक आप लोग इसको जो है चैलेंज मैकेनिज्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके बाद जो गाइडलाइंस वाली थी उस पर, तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह में दिया हुआ है, तो देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है वो दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि देखिए जो एग्ज़ाम थे आप लोग के 3 तारीख से लेके 5 तारीख आप लोग के एग्ज़ाम थे, 2 दिन आप लोग के एग्ज़ाम चले यहाँ पे, 3 दिन एग्ज़ाम चले आपके 2 से 3 दिन, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म की जो डेट है आप लोग की 7/3 से लेके 11/3 तक चल रही है, तो आप लोग यहाँ पे प्रोसीड करना है। और जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आप लोगों को खाली यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, रोल नंबर डालना है आप लोग को, और रोल नंबर बाद आप लोग यहाँ पर जो DAB डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम जो आपने एग्ज़ाम दिया वो, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों अटेंडेंट यानी कि किस स्लॉट में आप लोग कहते हैं 1, 2, 3 जो भी आप लोगों का स्लॉट दोस्तों वहाँ पे दी हुई थी, C1, B1 जो भी आप लोग स्लॉट होती है वो। फिर दोस्तों यहाँ पे पोस्ट की चार्जमैन से थे, ड्रॉट्समैन थे, ठीक है, या फिर आप लोग जो है ये यहाँ पे ट्रेड्समैन थे तो वो डाल लेना है आप लोग को। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है व्हाट टैक्स इज़ इन द इमेज, तो आप लोग को ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है आप लोग को उसको एज इट इज़ फिल करना है, फिर आप लोग यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करेंगे दोस्तों आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट पेज दिखेगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज आप लोगों को दिखेगा जो कि आप लोगों का कैंडिडेट्स आंसर की शीट दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है आंसर की, आप लोगों का आंसर की आप लोगों ने क्या जो अटेम्प्ट किया है वो दिखाएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ एग्जामिनेशन और स्लॉट B2 जैसे दिख रहा है वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, ठीक है, मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोग को जो है यहाँ पे मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर को आप लोग क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो आंसर आपने टिक किया है मतलब जो आप लोग का जो वहाँ का सॉल्यूशन है इस पेपर का वो दिया होगा, और यहाँ पे आप लोगों का आंसर शीट दिखेगा, कैंडिडेट्स आंसर शीट,
पे। फिर यहाँ पे आप लोग चैलेंज के ऑप्शन पे, अगर आप लोग चैलेंज करना चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चैलेंज अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दिया है जो मास्टर पेपर में दिया हुआ है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 है और मास्टर पेपर पर आप लोगों का 1st है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर आंसर जो है उसका कौन सा, मतलब कि जो MQPA जो बोलते हैं मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ऑप्शन दिया है ABCD, तो आप लोगों को वो सेलेक्ट करना है। आप लोगों का क्लेम क्या होना चाहिए कि किस आपका, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा है जैसे कि बिहार का राजधानी कहाँ है, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पटना दिया है और बी जो है आप लोगों का समझ लीजिए बेंगलोर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एग्जाम में एग्जामिनर जो है उसको बी को सही ऑप्शन माना है, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे लिखना है कि आप लोगों का माना हुआ बी है बट जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो आप लोगों का ए है, ठीक है। जो मैं क्लेम कर रहा हूँ आप लोगों के MQPA के हिसाब से उसका आंसर ए होना चाहिए। जस्टिफिकेशन जो आप लोग चाहें दे सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है, कि भाई मैंने इस बुक में पढ़ा था या फिर मैंने कहीं देखा था या फिर आप लोग देख लीजिए गूगल कर लीजिए, हैं जो भी है। और जो भी दोस्तों आप लोग के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट, जैसे मान लीजिए कहीं गूगल वगैरह पे आप लोग देख रहे हैं तो सर्च करें गूगल पे कि बिहार की राजधानी क्या है, बिहार व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो वो आप लोग को जो आंसर आएगा वो आप लोग को यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आप लोग JPG PDF जो कि PNG जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बट दोस्तों इसकी जो साइज की फाइल की जो है लिमिट भी है 50 KB से 300 KB के बीच में आप लोग की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग को इसी तरह से करना है। और फिर दोस्तों आप लोगों ने कितना यहाँ पे किया है, देखिए ऑप्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है और योर क्लेम जो है आप लोगों का सी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो वो है। और आप लोगों की जस्टिफिकेशन दोस्तों आपने जो भी दिया है, मान लीजिए जस्टिफिकेशन आपने कुछ दिया है कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा था वो पढ़ा था, और जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट दोस्तों आप जरूर अपलोड करिएगा अगर आप लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन गलत लग रहा है तो, ठीक है। बस दोस्तों तो इतना ही था, अब बाकी देखिए उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन करना होगा, तो मिनिमम 100 रुपये आप लोग का पेमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चार्ज मैन का बंदे ने किसी ने किया है, जो भी बंदे ने किया है यहाँ पे चार्ज मैन का जिन्होंने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने शो किया है, ठीक है, तो चार्ज मैन का जो अप्लाई किया, तो यहाँ पे दोस्तों हर चीज़ का 100 रुपये फीस है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे आप लोग को ऑप्शन दिखेंगे, तो आप लोग UPI करेगा क्योंकि UPI में दोस्तों आप लोग को 0 रुपीज़ आप लोग का कन्वीनियंस फीस है, तो आप लोग UPI पे सेलेक्ट करके आप लोग नेक्स्ट करिएगा तो आप लोग का पेमेंट जो आप लोग को कर लेना है। और जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों दिखाएगा सबमिटेड टाइम कि आप लोगों के सबमिट कब हुआ है ये, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का पेमेंट रिसिप्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो है जो उन्होंने जो सबमिट किया है जो डमी वाला वो दोस्तों 29 फरवरी को किया है, और दोस्तों ये आंसर की आप लोग की आते आते 6 तारीख हो गए, 7 तारीख को मान लीजिए, ठीक है, तो यानी कि ये 7 दिन पहले से इसके आंसर की प्रोसेस चल रही थी। और दोस्तों देखिए रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट दोस्तों आप लोगों की जल्दी आ जाएगी, हालांकि आंसर की में बहुत देरी हो गई बट कोई नहीं। अब देखिए मैं बता दूं आप लोगों के रिजल्ट के बारे में, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा और कट ऑफ भी दोस्तों लाऊंगा कि कट ऑफ क्या जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर बने रहे, तब तक दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।